यूनिट 5 का वर्कशीट 1 नंबर अप करेंगे. इट इज़ ऑन लेंस. ठीक है, तो पहला सम आसान है, सारा नहीं करूँगा. अब पहले सम का एक पार्ट मैं कर रहा हूँ जिसमें क्वेश्चन है कि 10 किलोमीटर इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स. तो 1 किलोमीटर कितने मीटर्स के बराबर होता था? 1000 मीटर्स. तो जो 10 किलोमीटर है उसको हम 10 इंटू 1 किलोमीटर लिख सकते हैं, इसको हम 10 इंटू 1000 मीटर लिख सकते हैं. तो ये कितने हो गए? 10,000 मीटर्स. सो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10,000 मीटर्स. तो ये इस तरह से आंसर आएगा हमारा. अगला सम है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू सेंटीमीटर्स. अब हमें क्या दिया हुआ है? 19 मीटर्स एंड 75 सेंटीमीटर्स. तो अब हमें इसको कन्वर्ट करना है इनटू सेंटीमीटर्स. ये वाला पार्ट तो सेंटीमीटर ऑलरेडी दिया है, अब हमारे को सिर्फ इसको कन्वर्ट करना है. तो इसको हम 19 मीटर्स प्लस 75 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं. और जो 19 मीटर है इसको हम 19 इंटू 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, क्योंकि जो 1 मीटर होता है दैट इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स. ठीक है, तो ये 19 इंटू 100 कितना हो गया? 1900 सेंटीमीटर. और इसको अगर अब हम दोनों को ऐड कर दें, बिकॉज अब दोनों ही सेंटीमीटर्स में चेंज हो चुके हैं, तो ये क्या आंसर आएगा? 1975 सेंटीमीटर. तो ये इस तरह से अब हमारे को सम्स जो है सॉल्व करने पड़ेंगे ये कन्वर्जन के. एक और एग्जांपल ले लेते हैं. फिफ्टी मीटर्स एंड 5 सेंटीमीटर. इसको 50 मीटर्स प्लस 5 सेंटीमीटर लिख ले. ये तो ऑलरेडी सेंटीमीटर्स में है, इसको कुछ नहीं करना, इसको कन्वर्ट करना. तो 50 इंटू 1 मीटर लिख सकते हैं. और 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है? सेंटीमीटर लिख सकते हैं, वो वैसे लिखा जाता रहेगा. तो 50 × 100 कितना हुआ? 2 जीरो हैं, इसके आगे 2 जीरो लग जाएंगे. 50 के आगे 2 जीरो लग जाएंगे. तो 5000 प्लस 5 कितने हो गए? ये सिर्फ यूनिट्स की पोजीशंस पे था, वंस की, तो ये वंस में ही ऐड होगा. तो इधर क्या है? 5 प्लस 0 इज फाइन. वंस में ऐड होगा, टेंस और हंड्रेड्स की पोजीशन वैसे ही वैसे रहती, कि थाउजेंड की पोजीशन भी वैसे रहती. तो ये 5005 सेंटीमीटर्स आ गए. तो इसी तरह से जो बाकी सम्स हैं वो अब हम करेंगे आगे. अगला क्या करना है? कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मीटर्स. अब यहाँ पे हमारे को क्या दिया हुआ है? 152 किलोमीटर्स. और यहाँ पे क्या दिया है? 35 मीटर्स. तो 35 मीटर्स को तो हम नहीं छेड़ने वाले, हमें छेड़ना है तो इसको छेड़ना. इसको अब हमें कन्वर्ट करना मीटर्स में. अब वो कैसे करेंगे? 152 किलोमीटर्स, इसको 152 इंटू 1 किलोमीटर लिख लें. और जो 1 किलोमीटर है वो कितने मीटर्स के बराबर है? 1000. तो इन दोनों में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 जीरोज़ हैं, वो 3 जीरोज़ इनके आगे लग जाएंगे. तो 152 1 2 3 जीरोज़. और उधर से हमारे पास क्या आ रहा जी? 35 मीटर्स. तो ये कन्वर्ट हो गया मीटर्स में. किलोमीटर था, ये मीटर्स में कन्वर्ट हो गया. तो इसमें आप 35 ऐड कर दो,
फाइव है वंस की पोजीशन में, यहाँ पे ज़ीरो है तो फाइव प्लस ज़ीरो क्या आ जाएगा फाइव। थ्री है टेंस की पोजीशन पे, यहाँ पे ज़ीरो है यहाँ पे थ्री आ जाएगा। इधर हंड्रेड्स में कुछ नहीं है, अब बाकी सारा यहाँ से कॉपी कर लेंगे हम। हंड्रेड्स में यहाँ पे ज़ीरो है, थाउजेंड्स में यहाँ पे टू है, फाइव जो है टेन थाउजेंड्स में और वन जो है लैक्स में। तो ये इतने मीटर्स बन जाएगा और बाकी सम्स जो हैं ये कन्वर्जन के जो किलोमीटर्स में को मीटर्स में करने वाले हैं, अब आप बाकी खुद करो, ये बहुत ज़्यादा इतने मुश्किल नहीं है। अब अगला करते हैं 4 किलोमीटर्स एंड 8 मीटर्स, हमें इसको कन्वर्ट करना मीटर्स में। 8 मीटर्स तो कुछ नहीं करना, अब जो 4 है किलोमीटर्स को अगर मीटर्स में करना है कन्वर्ट, तो ये कितने बन गए जी 1000 मीटर्स। तो ये अब टोटल कितना हो गया 4000 मीटर्स। अब ये वंस की पोजीशन पे है, ये वंस की पोजीशन में, दोनों का सम करो, 8 + 0 जा 8, इधर टेंस में हंड्रेड्स थाउजेंड्स कुछ नहीं, तो फिर टेंस में जो यहाँ पे है वो यहाँ पे आ जाएगा, हंड्रेड्स में जो यहाँ पे है वो यहाँ पे आ जाएगा और थाउजेंड्स में जो है, और ये बन जाएगा 4008 मीटर्स। तो इस तरह से आपने जितने भी सम्स हैं आपने करने हैं, हमने कन्वर्ट करना है अगर मीटर्स में, तो हम जो ये मीटर वाला उसको हम कुछ नहीं करेंगे, हमें सिर्फ ध्यान रखना इस पे, जो भी डिजिट होएंगे 4 है 10 है 20 है उसको हमने मीटर जितने हैं 1 किलोमीटर में उससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो जो भी मल्टीप्लिकेशन के बाद आंसर आएगा वो आंसर मीटर्स में बोला जाएगा। फिर हमने दोनों को सम कर देना, जब दोनों ही मीटर्स में कन्वर्ट हो गए फिर ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो इसी तरह से बाकी सम्स करेंगे और आप देखोगे इसको।